एक ऐसा ना कि ये तो बहुत आश्चर्य लगा कि जन्मदिन पर भी केवल 150 लोगों को पुराना नियुक्ति पत्र बांट पाए। 3 महीना हो गया सरकार बने हुए, अभी तक जो भी नियुक्ति पत्र बांटा है ये उन लोगों को बांटा जो ज्वाइन कर चुके, जिनका विज्ञापन निकला हम लोग के समय में, जिनकी परीक्षा हुई हम लोग के समय में, परिणाम निकला, नियुक्ति पत्र मिल गया, लोग ज्वाइन कर लिए, उन्हीं लोगों का दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इन्होंने घोषणा की थी कि 5.5 लाख नई नियुक्तियां करेंगे, अब 3 महीने में मुश्किल से 5,000 भी पद सृजित नहीं किया, क्योंकि जब पद सृजित करेंगे तब नियुक्ति होगी, और कभी 100 कभी 50, इसमें तो 25 साल में भी ये 5 लाख पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बताएं कि ये सारी नियुक्तियाँ हम लोग के समय की थी कि इनके समय है, किस समय की है, और ये सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका, उनको दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम 4.5 लाख नई नौकरियाँ देंगे और 5.5 लाख पुरानी जो रिक्तियाँ हैं उनको भरने का काम करेंगे, लेकिन तो पहले यही तो बताएं वो कि कितनी रिक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। यहाँ पर निकल के क्या होगा, ये तो बताया ना मैंने आपको कि पहले की जो नियुक्तियाँ थी उसी का भी बांट रहे हैं भाई। आपके डिप्टी CM बनने के बाद कोई विज्ञापन निकला हो, कोई परीक्षा हुई हो और उसकी ज्वाइनिंग कराए तो समझ में आता है, सारी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे समय में और वो भी जन्मदिन पर 50,000 लोगों को बांटते तो बात समझ में आती, 150 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी बासी पुराना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो देखिए बिहार का नौजवान बहुत समझदार है और इन लोगों ने जो वायदा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, इसमें ये विफल हो गए हैं, अभी तो बूंद बूंद से सागर भरना चाह रहे हैं, कभी 150 कभी 200। अब मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को 10,000 सिपाहियों की को नियुक्ति पत्र देंगे, ये भी सारी नियुक्ति हम लोग के समय में हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो इसीलिए बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि ये लोग जो वायदा कर रहे हैं वो उस वायदे को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।